होता है गोबर जिसको बोलते हैं, तो वो डाल देते हैं लोग, तो ये इस तरह का नज़ारा, और ये ऐसा नज़ारा आपको शेयर कर रहा हूँ मैं। और आगे मुझे कोई वीडियो नहीं मिला, तो ये देखिए। और ये जो पशुपालन बकरी वगैरह ये गांव शायद चराने ले जा रहे होंगे, गांव के आदमी हैं और ये शायद चराने ले जा रहे हैं इनको, और ये इस तरह का नज़ारा देखने को मिल रहा है। और आगे चलते हैं, आगे अगर कोई व्यक्ति मिलेगा तो आगे का नज़ारा भी हम आपको दिखाएंगे। हेलो दोस्तों, सत्यनारायण कुशवाहा राजस्थान की धरती से प्यार भरा नमस्कार। और आज पहुंचा हूं मैं घाटाकेड़ी गांव में, और घाटाकेड़ी गांव में पहुंचने के बाद में मैं अभी गांव में गया था, लेकिन अभी जो पब्लिक क्या काम में व्यस्त है, इस वजह से गाँव में तो कोई नहीं मिल पाया, और मैं अभी गाँव के बाहर बैठा हूँ। तो ये बरगद का पेड़ है, आप देख सकते हैं, ये इस तरह का बरगद का पेड़ है जहाँ पे मैं बैठा हूँ। और तो चलते हैं आगे, वीडियो में दिखाते हैं आपको कैसा नज़ारा रहता है आज का। तो देखिए, ये इधर में ये ट्रैक्टर वगैरह खड़ा हुआ है, और ये इधर पुलिया है। गांव का तो वातावरण ऐसा ही रहता है, शायद आपने देखा होगा। और गाँव के बाहर का जो नज़ारा होता है तो अक्सर बहुत अच्छा लगता है। ये इस बरगद के पेड़ के नीचे मैं बैठा हूँ अभी, और ये ऐसा नज़ारा है। और ये गांव के बाहर देखो, आपको देखने को मिलेगा ये पशुओं के का जो मलमूत्र होता है, गोबर जिसको बोलते हैं, तो वो डाल देते हैं लोग, तो ये इस तरह का नज़ारा, और ये ऐसा नज़ारा आपको शेयर कर रहा हूँ मैं। और आगे मुझे कोई वीडियो नहीं मिला, तो ये देखिए। और ये जो पशुपालन बकरी वगैरह ये गाँव शायद चराने ले जा रहे होंगे, गाँव के आदमी हैं, और ये शायद चराने ले जा रहे हैं इनको, और ये इस तरह का नज़ारा देखने को मिल रहा है। और आगे चलते हैं, आगे अगर कोई व्यक्ति मिलेगा तो आगे का नज़ारा भी हम आपको दिखाएंगे। तो ये ऐसा नज़ारा है यहाँ पे फ़िलहाल में। तो देखो ये भैया, ये अंदर इस बाड़े के अंदर कर रहा है बकरियों को, और बहुत परेशान हो रहा है। दो को पकड़ के ला जाता है और वापस निकल जाती है, दूसरी पकड़ में जाता तभी, इस तरह का हालात है। तो दोस्तों, आज देखिए ऐसे क्षेत्र में आके पहुंचा हूं मैं, ये इस तरह का नज़ारा है जो मैं आपको दिखाने जा रहा हूं। देखिए देखो कितनी बड़ी पहाड़ी, कुछ जूम करके दिखा देता हूं आपको, ये इस तरह का, और ये पहाड़ी क्षेत्र है। और आज ऐसे पहाड़ी क्षेत्र में पहुँचा हूँ, और ये वन विभाग का दरवाज़ा बना हुआ है इस तरह से। और ये देखिए, ये एक पहाड़ी इधर में है, और ये टू लाइन रोड है, इस पर मैं मौजूद हूँ, देख सकते हैं आप। तो ये इतना पहाड़ क्षेत्र है, ये इधर खाई दर्रा है, इस तरह का नज़ारा है। खेती की बहुत कम ज़मीन है, ऐसी जगह पे पहुँचा हूँ, और खेती है तो बिल्कुल कम पैदावाली है, देख सकते हैं आप। इस तरह का ये पहाड़ी क्षेत्र है, और आप देख रहे होंगे मेरे सामने जो मैं आपको दिखा रहा हूँ बैक कैमरे से। तो ये देखिए, ये उपजाऊ ज़मीन नहीं होने के कारण देखो वैसे ही पड़ी है ये, और इसमें खेती नहीं होती है, ये इतनी जगह खाली पड़ी है ये इस तरह से। और ये देखो पूरा खुला है, और ये यहाँ पर ये इधर में ये रोड है, और इधर ये अपने गांव है, छोटा सा एक गांव लगता है, जो शायद इसमें बंजारा जाति के लोग रहते होंगे। तो मैं आपको जूम करके दिखाता हूँ गांव का नज़ारा। तो ये इस तरह का गांव है, ये इस तरह का ऐसा गांव है। और इधर आपको जो पहाड़ है, तो पहाड़ का नज़ारा कुछ दिखा देता हूँ मैं आपको। तो ये पहाड़ इस तरह से हैं, थोड़ा जूम करके दिखाता हूँ ताकि आपको दिख सके थोड़ा। ये ऐसा पहाड़ का नज़ारा है इस तरह से। और ये यहाँ पे तालाब बना हुआ है, बाकी तालाब में पानी नहीं है। अब राजस्थान है, तो राजस्थान में तो हाल ऐसे ही रहते हैं, तो यहाँ पे तालाब तो है, बाकी तालाब में पानी नहीं है, इस तरह का सिस्टम है। ये मेरे पास एक भैया और बैठे हैं, तो ये इनके पास कुछ बैठा था, मैं बातें करने लगा था, बहुत समय से बातें कर रहे हैं हम। और मैंने सोचा कि भाई अगर वीडियो नहीं मिला है तो वीडियो को पूरा कर लेते हैं। और ये भैया हैं, और ये सोच रहे हैं कि ये भी यूट्यूब पे आना चाहते हैं। अच्छा भैया, क्या आप भी चैनल है, आपका चैनल है कि नहीं है?
अभी नहीं है तो आप क्या चैनल बनाएंगे मतलब? अच्छा नहीं, जोर से बोलो थोड़ा। हाँ बनाने चाहते हैं। अच्छा अच्छा अच्छा। हाँ तो ये भैया जो मुझे अभी मिले हैं और मेरे पास के कई गांव से हैं, साइड में कोई गांव है तो वहाँ से हैं, और ये भैया बोल रहे हैं मेरे से कि भैया जी आप मुझे भी चैनल बनवा दो, तो मैं कोशिश करके इनका बनवाऊँगा। अभी तो कोशिश किया था, बाकी इनके मोबाइल में कुछ मिस्टेक था तो इस वजह से मैं नहीं बना पाया, लेकिन अभी इनको कोशिश करके इनको बनवाएंगे, अपना दोस्त बनाएंगे और अपना एक मित्र ज़्यादा बढ़ जाएगा, मतलब कहने का मतलब ये है। तो दोस्तों आज का वीडियो कैसा लगा आपको प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बता देना, और मैं अब वीडियो को करता हूँ एंड। आपका दोस्त सत्यनारायण, धन्यवाद, थैंक यू जी।